देखिए क्वेश्चन से KMnO4 दिया गया है और 200 ग्राम उसका मास दिया है। हमने इसका मोलर मास निकाला 126। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गया। तो अब बाकी के क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, पहले KMnO4 जो कि 200 ग्राम है डिवाइडेड बाय 126 मल्टीप्लाई बाय, ये तो मोल हो गए KMnO4। अब एटम्स कितने हैं? 4, 5, 6, 6Na, खत्म। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहले मोल मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल ऑफ KMnO4 न्यूट्रॉन्स। अब हमें निकालने हैं, तो हमें न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आइडिया लगाना पड़ेगा। न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं? पोटेशियम के अंदर न्यूट्रॉन्स, पोटेशियम में कितने हैं? 20 प्लस। Mn में कितने हैं? 30। हाँ या ना? और ऑक्सीजन में कितने हैं? 8, 8 चौक 32। बस ये हमारा काम हो गया न्यूट्रॉन्स। और हमें इतना मिला है मोल में मिला है, हमें Na लगाते मोल लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 200 डिवाइडेड बाय 126, पोटेशियम में 19, मैग्नीज में 25 और ऑक्सीजन में 8 चौक 32 Na, क्योंकि 8 ऑक्सीजन है। इधर नंबर ऑफ आयंस, तो KMnO4 किस तरह से ब्रेक होता है? K प्लस प्लस MnO4 माइनस में, ये हमें मालूम होना चाहिए, यानी दो आयन है। 200 डिवाइडेड बाय 126 मल्टीप्लाई बाय 2 आयन है, सो इजी। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमसे कहा जाए तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं, तो प्रोटॉन वाला हम सेक्शन एज इट इज लाते हैं। 19 प्लस 25 प्लस 32 Na। ध्यान रखना यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, तो फिर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। KMnO4 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 200 डिवाइडेड बाय 126 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 4। और एटम का वेट कितना है? ये तो एटम हो गया, एटम का वेट कितना है? 16। ये डायरेक्ट ये 32 लिख देते, नहीं 16 चौक 64, 64 लिखना पड़ता, लेकिन अब आपको कितना लिखना पड़ेगा? 16 और ये ग्राम, सही है। तो ये हमने पूरे निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6, कितनों के सही हैं? पूरे सबके सही है, ठीक है।